तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इतने दिनों से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने एल्कीन्स के बारे में। अब देखो, एल्कीन्स में हमारे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि जो हमारी यूनिट 2 है उसमें हमारा जो एल्कीन्स का टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा है। मतलब इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक थे। तो आज हमारे यहाँ पे इसके ऊपर लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, मार्कोनी ऑप्स, एंटी मार्कोनी ऑप्स रूल्स, एंड एट लास्ट में हम लोग कवर करेंगे अपने ओजोनोलाइसिस को। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। तो जो हमारे एल्कीन्स हैं वो हमारे यहाँ पे एल्कीन्स के कंपेयर में क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है। अब क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे एल्कीन्स होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में हमारा पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा यहाँ पे पाई होता है। अब देखो, ये जो सिग्मा है ये तो काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन ये जो हमारा पाई बॉन्ड है ये हमारा काफ़ी वीक बॉन्ड होता है। और देखो यहाँ पे होता है क्या, ये जो पाई बॉन्ड है ये बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है। और आप लोग को एक बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी रिएक्शन होती है वो हमारे बॉन्ड के ब्रेकेज से ही होती है। मतलब अगर हमारा डबल बॉन्ड का कंपाउंड है तो जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसीलिए हमारे क्या होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में होता क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग समझे एडिशन रिएक्शंस को, तो व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर सिंपली एडेड टू अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर हमारा कोई भी कंपाउंड है जिसके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, मान के चलते हैं, अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन्स के बारे में, एल्काइन्स तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो अगर जो हमारा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, अब बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एथीन है, तो उसके अंदर मान लो हमारा कोई भी ग्रुप एटम या फिर मॉलिक्यूल, जैसे कि मान लो हमारा ए बी है, अगर वो सिंपली यहाँ पे जुड़ जाता है। अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, एक एडिशन हो गया इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे बी का, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट हुई, ना तो कोई चीज़ एलिमिनेट हुई, और यहाँ पे हुआ क्या, देखो बॉन्ड का यहाँ पे ब्रेकेज हो गया। अब बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जब एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है और एक बॉन्ड यहाँ पे लग चुका है, तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रहा तो इसकी वैलेंसी तो 5 हो जाएगी ना। तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और हमारे ए और बी का एडिशन हो गया। तो सिंपली इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, नाउ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल इन एन एडिशन रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जो हमारी एडिशन रिएक्शन है, यानी कि मान लो जो हमारा ए बी है, अगर इस ए बी की जगह हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल आखिर होता क्या है, तो ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये हमारा ए बी है, अगर मान लो इस ए बी की जगह हम लोग ले लें अपना एच सी एल, या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड ले ले जो कि प्लस और माइनस में ब्रेक होता हो। देखो ये ए बी की पूरी जगह हमारा एस सी एल आ गया। अब एस सी एल को अगर हम लोग ब्रेक करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एच प्लस और सी एल माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एच प्लस है ना, ये हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो सी एल माइनस है ये हो जाता है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। यानी कि एच प्लस को आप लोग समझ सकते हो कि हमारा ए हो गया, और सी एल माइनस को आप लोग समझ सकते हो हमारा बी हो गया। देखो इसको बिल्कुल ऐसा समझो कि जैसे कि मान लो एस सी एल की जगह हम लोग यहाँ पे एच बी आर भी ले सकते हैं, या फिर एन ए सी एल भी ले सकते हैं, एन ए प्लस और सी एल माइनस में ब्रेक होता है। देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझ गए तो आज का पूरा लेक्चर इसी पे बेस होने वाला है। देखो जैसे हमारा एस सी एल है, तो ये हमारा ब्रेक किस में होता है, डिसोसिएट किस में होता है, एच प्लस और सी एल माइनस में। और जो हमारा एच बी आर है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा एच प्लस में और बी आर माइनस में। अगर एन ए सी एल को हम लोग ले लें तो वो एन ए प्लस और सी एल माइनस में। तो ध्यान से सुनना, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है ना, ये जो हमारा कैटायन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लवर। देखो फाइल मतलब होता है फिलिक, फिलिक मतलब लवर, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, जो हमारा प्लस वाला चार्ज है ये हमारा इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि जो प्लस है वो हमारा इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये जो हमारा सी एल माइनस है, या फिर कह सकते हो कि जो माइनस वाला चार्ज है, एनायन जो हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस लवर होता है। अब न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे होते हैं प्रोटॉन, और ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा माइनस चार्ज है, और प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो माइनस वाला हमारा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए हम लोग बोलते थे इसको न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लवर, और पॉजिटिव वाले को बोलते थे इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। यानी कि अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारा एल्कीन है, अगर उसमें हमारे यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज वाले एटम का एडिशन हो, तो उन सारी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कि अगर मान लो हम लोग जो है इस कंपाउंड को अगर देखें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर मान लो इसकी रिएक्शन हम लोग जो है HCl से कराएं, ध्यान से समझना,
और यहाँ पे क्या हो, हमारा जो है सी एस टू के पास आके हमारा एच प्लस जो है, क्योंकि देखो एच सी एल हमारा ब्रेक किस में होता है, एच प्लस और सी एल माइनस में, लेकिन जब एच प्लस यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा तो हमारा सिंपली हाइड्रोजन के फॉर्म में होगा। और यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो सी एल है, देखो एच सी एल हमारा एच प्लस और सी एल माइनस में ब्रेक हुआ, तो एच यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे सी एल क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और समझो कि अगर हमारे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है तो हमारे न्यूक्लियोफाइल का भी एडिशन होना स्वाभाविक है, यानी कि दोनों चीज़ें यहाँ पे एक साथ ही होती हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे आई होप कि समझ गए होगे। अच्छा देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे तीनों रिएक्शन पढ़ी भी हैं। देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, यानी इन तीनों में यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो हमारी एडिशन रिएक्शन होती हैं उसमें हमारा क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे उसमें हमारा सिंपली जो है कोई भी दो एटम्स यहाँ पे क्या होंगे, सिंपली अटैच हो जाएंगे, यानी ना तो कोई चीज़ रिमूव होगी ना तो कोई चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारी एडिशन रिएक्शन है उनकी उनकी जो है स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ये हमारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आप लोग ये कह सकते हो कि जो हमारे एल्कीन्स होते हैं वो हमारे एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो मान लो यहाँ पे एल्काइन होता तो वो हमारा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन देखो चूंकि वो हमारे टॉपिक में है नहीं, ठीक है, तो हम लोग उसको उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग समझ गए ना कि एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारा एल्कीन जो है एल्केन में कन्वर्ट हो रहा होगा। और जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, इसमें हमारे कोई भी दो कंपाउंड यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी यहाँ पे कुछ जुड़ता नहीं है बल्कि दो चीज़ें घट जाती है, माइनस हो जाती हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो हमारा एल्केन है वो हमारा एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी एक चीज़ आप लोग और कह सकते हो कि जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है वो हमारे एडिशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती हैं, है ना। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लो हमारे कोई भी दो ग्रुप या फिर एटम्स जो है हमारे कंपाउंड के साथ ऑलरेडी अटैच है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को रिप्लेस करके कोई दो नए एटम्स या फिर ग्रुप्स जो है आके उसकी जगह अटैच हो जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग सी एस टू डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड ही है, सी एस टू की रिएक्शन अगर कराएं तो यहाँ पे एक्स वाई क्या करेगा, देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो ए है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा एक्स, और ये जो हमारा बी है इसकी जगह हमारा आ जाएगा वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो ए बी है ये हमारा जो है अलग हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा कोई भी ना तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है ना तो डबल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई चीज़ हट थोड़ी रही है, ना तो कोई चीज़ ऐड हो रही है ना तो कोई चीज़ रिमूव हो रही है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चीज़ पहले से है उसकी जगह कोई नई चीज़ आ जा रही है। तो देखो ये यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, और देखो इतनी सारी बातें आप लोगों को कौन बताता है, आप लोग बहुत किस्मत वाले हो, खैर छोड़ो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे मेनली बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। तो नाउ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल इन एन एडिशन रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि अगर हमारी एडिशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है तो वो हमारी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखो जो हमारा एल्कीन है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, अगर इसमें हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे ई एन यू का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे देखो ई एन यू से आप लोग कन्फ्यूज मत हो, देखो यहाँ पे सिंपली यही चीज़ लिखी हुई है। अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, और जो ये हमारा ई एन यू है ना, ई एन यू, तो ई एन यू की जगह हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एच सी एल, बस सिंपल है। यहाँ पे एच हमारा क्या हो गया, एच हमारा इलेक्ट्रोफाइल और एन सी एल हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारा सी एच टू के पास, यानी कि यहाँ पे देखो ये हमारा जो सी एच टू है इसके पास हमारा यहाँ पे एक जो है एच प्लस एच आ जाएगी अटैच हो जाएगा, और एक हमारा सी एल, यानी कि एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल एक हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। यही होती है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल था। वन पाई बॉन्ड ब्रेक्स एंड टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन। देखो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल भी है, आप लोग देख ही रहे हो। ये जो हमारा डबल बॉन्ड है स्पेशली यहाँ पे जो दूसरा वाला बॉन्ड है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे देखो दो नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। और जो हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे एक पाई बॉन्ड कह सकते हो ब्रेक हुआ और दो नए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गए। वही चीज़ होती है हमारे यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस में। अब हम लोग यहाँ पे इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझते हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा हो रही हैं। तो अगर जैसे हम लोग यहाँ पे स्टेप वन की बात करें, मान लो अगर हमारी कोई एडिशन रिएक्शन हो रही है, बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, द रीजेंट जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन ही होता है, तो जो हमारा रीजेंट होता है वो क्या होता है, लाइक एच बी आर आयोनाइजेज टू गिव इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। यानी कि जैसे मान लो अगर हम लोगों ने एच बी आर लिया तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज होने से क्या होता है, हमारा ये ब्रेक हो जाएगा एच प्लस में और बी आर माइनस में,
और जो पॉजिटिव वाला होता है वो हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, और निगेटिव वाला हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेप टू पे हमारा क्या होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्टेप टू की, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि जो कि हमारा एच प्लस है, वो हमारा क्या करेगा, अटैक करेगा हमारे डबल बॉन्ड पे जो कि हमारे सी एच टू और सी एच टू के बीच में यानी कि जो हमारा एथीन है, और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बोनियम आयन। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना होगा क्या, ये जो हमारा एच प्लस है, देखो यहाँ पे ये दोनों जो है एक साथ अटैक नहीं कर रहे, हमारा सबसे पहले एच प्लस आके ऐड हो रहा है और उसके बाद हमारे यहाँ पे बी आर माइनस हमारे थर्ड स्टेप में होगा। तो सबसे पहले एच प्लस क्या हुआ, देखो इस ये हमारा जो है इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया, तो ये हमारा देखो सी एच टू से सी एच थ्री में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड है ये हमारा हो गया ब्रेक, तो यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, हमारे यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। देखो यहाँ पे हमारा माइनस भी आया था लेकिन इस माइनस को कवर कर लिया इस एच प्लस ने और सी एच थ्री में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे तो हमारा जो प्लस आ गया तो इस प्लस को यहाँ पे अभी तो किसी ने कवर नहीं किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बोनियम आयन यानी कार्बन के ऊपर हमारा जो है एक आयन आ गया, या फिर कह सकते हो कि कार्बो कैटायन है, ठीक है बेसिकली, क्योंकि प्लस चार्ज है। तो उसके बाद हम लोग बात करें अपने स्टेप थ्री में, तो फाइनली क्या होगा, अब जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बच गया था यानी कि जो हमारा बी आर माइनस था, ये क्या करेगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनियम आयन यानी कि जो प्लस चार्ज है यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे बी आर माइनस आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सी एच थ्री और सी एच टू बी आर। अब देखो इस स्ट्रक्चर को आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो सिंपली, इसमें क्या है, जो हमारा सी एच थ्री और सी एच टू बी आर है, ये हमारा यही चीज़ तो है, ठीक है। सी एच टू मान लो अगर इसको लिखो ऐसे और सी एच टू और बी आर, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारा जो सी एच टू था यहाँ पे हमारा एच ओ बी आर का एडिशन हो गया। अब चाहो इसको कंबाइन करके लिखो, चाहो बॉन्ड बना के लिख दो, वो चीज़ इतना तो आप लोग यार समझदार हो ही चुके हो, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मार्कोनिकोप्स एंड एंटी मार्कोनिकोप्स रूल के बारे में। अब देखो ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप लोगों को एग्जाम में लगभग अक्सर ही देखने को मिलता है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, और ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे जो है कहीं कहीं आप लोगों को जो है O की V की जगह जो है डबल F देखने को मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना, दोनों यहाँ पे एक ही चीज़ है। तो जो हमारा यहाँ पे मार्कोनिकोप्स रूल है, तो ये जो हमारा रूल या फिर प्रिंसिपल है ये हमारा किसने दिया था, रशियन केमिस्ट मार्कोनिकोप्स ने। अच्छा यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हम लोग बहुत सिंपली समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल सा है। देखो अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी, जो भी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, ठीक है, तो ये हमारी एडिशन रिएक्शन कैसे थी, यहाँ पे देखो हमारा जो सी एच टू, हमारा जो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू था, ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू था, तो इसकी रिएक्शन हमारी किससे हो रही थी, मान लेते हैं कि हमारा एच बी आर से हो रही थी, और यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा था, हमारा यहाँ पे सी एच टू और एक जगह हमारा बी आर अटैक हो गया, मतलब ऐड हो गया, और एक जगह हमारा क्या हुआ, एक जगह हमारा यहाँ पे एच अटैच हो गया, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट सिंपली फॉर्म हो जा रहा था, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आई, प्रॉब्लम हमारे उन कंपाउंड्स में आई जहाँ हमें जो है दो से ज़्यादा कार्बन एटम हमारे एल्कीन्स में देखने को मिले, जैसे कि अगर मान लो हम लोग एग्जांपल लें सी एच थ्री और सी एच टू, और यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे सी एच टू नहीं होगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, क्योंकि एक बॉन्ड इधर आ गया, तो अगर मान लो हमारा ये वाला कंपाउंड आ गया, तो इस कंपाउंड में देखो प्रॉब्लम कैसे होगी, प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे होगी कि सबसे पहले तो देखो इस वाले कंपाउंड को हम लोग बोल देते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अभी सारी चीज़ें बता रहे हैं क्यों बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखो अनसिमेट्रिकल यहाँ पे क्यों बोलते हैं, देखो यार एक चीज़ आप लोग बहुत सिंपली समझो, वैसे तो हमारे पूरा का पूरा कंपाउंड ही एल्कीन है, लेकिन अगर हम लोग मेनली इसमें बात करें तो एल्कीन हमारा यही दो कार्बन के बीच में तो है, यानी जो हमारा डबल बॉन्ड है ये हमारा इन्हीं दो कार्बन के बीच में है, तो इन वाले इस पूरे वाले कंपाउंड में हमारा मेन एल्कीन यही चीज़ हुआ। तो जो हमारा एल्कीन है, अगर जो हमारे एल्कीन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं, यानी डबल बॉन्ड के, देखो डबल बॉन्ड के एक साइड ये वाला कार्बन है और एक साइड ये वाला, तो इन दोनों कार्बन के अराउंड अगर एसिमेट्री होती है, एसिमेट्री का मतलब कि देखो यहाँ पे अगर इस वाले कार्बन को देखें तो इसके पास इधर जो है कोई भी कंपाउंड नहीं है, लेकिन इधर इस वाले कार्बन के पास हमारा एक कार्बन एटम और आके अटैच हो गया, यानी कि देखो इधर क्या हुआ, इधर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और इधर ये कम हो गया, ये क्या हुआ, असिमेट्री हो गई। अगर इस वाले कार्बन को देखें तो ना तो इधर कोई कंपाउंड है ना तो इधर, यानी ये हमारा क्या, ये हमारा सिमेट्रिकल है, ठीक है, जो हमारा एथीन होता है ये हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। लेकिन अगर हम लोग इस वाले कंपाउंड की बात करें तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। तो जो हमारा मार्कोनिकोप्स रूल है ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोप्स रूल ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की, द हाइड्रोजन एटम इज एडेड टू द कार्बन एटम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
देखो यह चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आ रही होगी, हम लोग बहुत ही सिंपली समझते हैं। जैसे कि जो हमारा अनसिमेट्रिकल अल्किन है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये चीज़ समझ के बस यहाँ पे मार्कोनी कॉप्स एंटी मार्कोनी कॉप्स दोनों क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमारा यहाँ पे इसको हम लोग लें तो ये हमारा क्या हो गया, CH3CH और डबल बॉन्ड CH2। देखो यही तो हमारा कंपाउंड है। अगर मान लो हम लोग जो है इसकी एडिशन रिएक्शन कराएं, यानी कि हम लोग इसकी रिएक्शन करा देते हैं अपने HBr से, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा HBr है तो ये सबसे पहले ब्रेक हो जाएगा H प्लस में और Br माइनस में, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लोफाइल में। अब मान लो अगर मान लो ये जो H प्लस है ये इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो और जो Br माइनस है वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो, तो हमारा कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, देखो ध्यान से देखना, CH3 और CH के साथ हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, ठीक है, और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा CH2 के साथ हमारा क्या अटैच हो गया, Br। तो देखो एक कंपाउंड तो हमारा ये बन गया, और अगर हम लोग एक कंपाउंड और चाहें तो देखो यहाँ पे एक और भी तो कंपाउंड बन सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा H प्लस है ये हमारे इस H2 वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाए और जो Br माइनस है वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाए। यानी अगर हम लोग ऐसा बनाएं तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, CH3CH और Br, और यहाँ पे क्या होगा CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, जो हमारे असिमेट्रिकल अल्किन्स होते हैं अनसिमेट्रिकल, इनके साथ हमारे यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं हमारी एडिशन रिएक्शन में। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा फॉर्म होगा, या फिर कहें तो कौन सा ज़्यादा फॉर्म होगा। देखो एक चीज़ आप लोग समझना, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा है, एक्चुअल होगा क्या, एक्चुअल में ये होगा कि दोनों के दोनों प्रोडक्ट ही फॉर्म होंगे, बट इसमें से ज़्यादा यानी कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला होगा, तो यही चीज़ बताते हैं हमारे यहाँ पे मार्कोनी कॉप्स रूल। अच्छा आप लोग यहाँ पे ये तो नहीं सोच रहे हो कि जो हमारा सिमेट्रिकल अल्किन था इसमें भी तो हो सकता था ना कि हमारा HBr, देखो इसमें भी तो ऐसा हो सकता था कि हमारा H है ये हमारे इसके साथ अटैच हो जाए या फिर इसके साथ। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों कार्बन बिल्कुल सेम है, दोनों के पास हाइड्रोजन दोनों दो दो ही हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारे ये दोनों हाइड्रोजन है ये दोनों अलग हैं, यानी ये इन दोनों कार्बन की बात करें तो इस वाले कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है जबकि इसके पास दो हाइड्रोजन है। तो अगर इसके साथ एच जो है ऐड हो रहा है तो वो चीज़ अलग हो जाती है, और अगर इस वाले के साथ एच हो रहा है तो वो चीज़ अलग हो जाती है, क्योंकि इसके पास एक ही एच है जबकि इसके पास दो एच है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे मार्कोनी कॉप्स रूल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, द हाइड्रोजन एटम इज एडेड टू दैट कार्बन एटम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन है ये उस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी होंगे। तो अगर हम लोग इन दोनों कार्बन को देखें तो इसके पास तो देखो एक ही हाइड्रोजन है जबकि इस वाले के पास यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन है। तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, हमारा प्रोडक्ट ये वाला फॉर्म होगा, क्योंकि इसके साथ देखो हमारे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो इसके साथ हमारा हाइड्रोजन अटैच होगा। या फिर इसी को देखो मार्कोनी कॉप्स रूल को ही आप लोग जो है दूसरी तरीके से भी बोल सकते हो, मार्कोनी कॉप्स रूल कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन एन अनदर वे दैट ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन्स द निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन एटम विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि देखो यहाँ पे जो हमारा निगेटिव पार्ट है वो क्या है, Br माइनस। तो अगर हमारा हाइड्रोजन जो है, देखो आराम से समझो, अगर हमारा हाइड्रोजन जो है उस वाले कार्बन के साथ अटैच हो रहा है जिसके पास हमारे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो जो हमारा Br माइनस है ये हमारा उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, क्योंकि एक के पास कम है एक के पास ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले के पास हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो कम वाले के पास Br। तो हमारे मार्कोनी कॉप्स रूल को हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं कि या तो हमारा कार्बन जो है, या तो हमारा हाइड्रोजन उस वाले के साथ अटैच होगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, या फिर हमारा Br जो है, या फिर कह सकते हो कि जो हमारा माइनस वाला पार्ट है वो हमारे उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। देखो अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो तो एक बार इसको खुद से पढ़ के देखो, मेरे बोलने पे ज़्यादा मत जाया करो, खुद से पढ़ो आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा कंपाउंड है कौन सा है, CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन जो है HBr से कराएं तो क्या होगा, जो हमारा Br है वो हमारे उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो देखो इन दोनों में से कम हाइड्रोजन किसके पास है, इस वाले के पास, तो हमारा Br इसके साथ जाएगा, और जो हमारा H है वो हमारा किसके साथ जाएगा, उस कार्बन के साथ जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा H2 के पास, इस वाले के पास है, तो ये वाला जो है इस वाले के पास जाएगा। अब देखो ये मत कहने लग जाना कि सबसे ज़्यादा तो इसके पास है तो इसके पास क्यों नहीं जा रहा है, अरे हम लोग उन कार्बन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे डबल बॉन्ड के अराउंड है, ये नहीं इसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग इन दोनों की ही बात करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम लोग यहाँ पे देखो इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझते हैं कि आखिर इसके अंदर हो क्या रहा है। देखो हो जो हो रहा है वो आप लोग समझ गए, अब हो कैसे रहा है तो उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो स्टेप वन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हो रहा है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे देखो होगा क्या, जो हमारा कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, देखो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो, CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, देखो यही हमारा कंपाउंड है, और इसकी रिएक्शन हमारा किससे हो रही है, HCl से। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन जो है HCl से कराएंगे
तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ये HCl हमारा किस में ब्रेक हो जाएगा, H प्लस में और Cl माइनस में। अब देखो सबसे पहले स्टेप वन में हमारा जो है H प्लस का एडिशन होगा, ठीक है, Cl माइनस हमारा यहाँ पे बाद में होगा। तो जो हमारा H प्लस है वो क्या करेगा, देखो ध्यान से देखना। अब जैसा कि हम लोगों ने बोला कि H प्लस हमारा जो है इस वाले कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है, इसके साथ भी अटैच हो सकता है, लेकिन होगा किसके साथ, होगा इसी वाले के साथ। लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट मत खराब करो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें हमारा जो एच है वो इसके साथ अटैच होगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनर प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होगा। यानी कि अगर हम लोग सिंपली बात करें तो ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट ही बनेंगे, लेकिन एक हमारा ज़्यादा होगा एक हमारा कम होगा। ज़्यादा कौन सा होगा, ज़्यादा वो वाला होगा जिसके पास हमारा जो हाइड्रोजन है वो उस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जिसके पास हमारे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो देखो एक हमारे यहाँ पे इस वाला ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो एक क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारा H+ है अगर वो हमारा जो है इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन अटैच हो गया, ठीक है। और अगर हमारा हाइड्रोजन जो है इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया, देखो ध्यान से देखना, CH3 और यहाँ पे CH2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे CH2। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, क्योंकि इसके पास हमारा हाइड्रोजन, और देखो चूंकि हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और अभी जो हमारा Cl- है अभी इसके साथ अटैच नहीं हुआ है, तो अभी हमारा Cl- जो है अलग रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्बोनियम आयन। और अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे केस की बात करें, देखो ये हमारा पहला केस है और दूसरा केस हमारा क्या हो गया, दूसरे केस में हमारा जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ अटैच हो गया तो हमारे इसके पास, और ये CH2 अब इसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे देखो हमारे दो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अब एक हमारा यहाँ पे 2 डिग्री है और एक हमारा 1 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे 2 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन और 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। 2 डिग्री यानी कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, अगर इसके अराउंड में आप लोगों को 2 अल्काइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन देखने को मिले तो वो हमारा सेकेंडरी हो जाता है। और अगर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है इसके एक तरफ आप लोगों को अल्काइल ग्रुप और एक तरफ और दो तरफ आप लोगों को हाइड्रोजन देखने को मिले तो वो हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो जाता है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो हमारा प्राइमरी वाले से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी कि अगर हम लोग अब बात करें अपने स्टेप 3 की, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यानी कि ये जो हमारा Cl- था जो कि बच गया था, ये क्या करेगा, ये हमारे सेकेंडरी वाले कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, क्योंकि देखो ज़्यादा स्टेबल वाले कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होगा। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl- जो है अब इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और फाइनली हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CH और हमारा Cl आके अटैच हो गया और CH3। देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझो कि इस पूरी दुनिया में, केमिस्ट्री में तो छोड़ो, इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसीलिए होती हैं ताकि यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी प्राप्त हो सके, या फिर कह सकते हो स्टेबिलिटी को ऑब्टेन किया जा सके। देखो यार जैसे हम लोग अपनी ही बात कर ले, तुम लोग की बात करते हैं, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हो बताओ, ताकि जो है आगे चल के अच्छी खासी जॉब मिल सके, है ना, और लाइफ स्टेबल हो जाए। हालांकि लाइफ स्टेबल तो होने वाली है नहीं, वो तो एक धोखा होता है जो कि नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे एक बेसिकली बात करें तो हम लोग स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए सारी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी क्यों होती हैं, ताकि जो है हमें मतलब लाइफ में नहीं केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी मिल सके, क्योंकि यहाँ पे मिल जाती है, लाइफ में तो मिलती नहीं है, खैर। तो यहाँ पे जो हमारी स्टेप टू है, तो फाइनल प्रोडक्ट देखो हमारा ये बन रहा है, और यही चीज़ तो हमारा मार्कोनी कोप्स रूल कह रहा है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे हमारा जो Br है वो हमारे सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच हो रहा था। अब यहाँ पे देखो जो हमारा Cl वो किसके साथ अटैच हो रहा है, सेकंड वाले कार्बन के साथ। अब यहाँ पे देखो Cl लो, Br लो, Fl लो, कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना कन्फ्यूज होना। तो ये होता है हमारे यहाँ पे मार्कोनी कोप्स रूल। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटी मार्कोनी कोप्स रूल के बारे में। तो यहाँ पे देखो जैसा किसका नाम है एंटी, एंटी मतलब क्या है, यानी कि ये मार्कोनी कोप्स का उल्टा हो जाएगा। देखो जस्ट उल्टा हो जाएगा और कुछ होगा ही नहीं। अब उल्टा क्यों हो जाएगा, इसके पीछे भी तो कुछ रीजन होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझो, द रूल वॉज गिवन बाई अमेरिकन साइंटिस्ट MS Kharash, यानी कि MS Kharash सर ने हमारा एंटी मार्कोनी कोप्स रूल दिया। दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज Kharash इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट। अब चूंकि Kharash सर ने दिया था तो यहाँ पे Kharash इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा एंटी मार्कोनी कोप्स रूल कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कोप्स रूल, इफ द एडिशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड, देन हाइड्रोजन एटम इज एडेड टू द कार्बन एटम हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो गई। हमारे मार्कोनी कोप्स रूल के हिसाब से क्या हो रहा था, हमारा जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के साथ अटैच हो रहा था जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, लेकिन एंटी मार्कोनी कोप्स में क्या हुआ, उल्टा हो गया, हाइड्रोजन हमारा मिनिमम नंबर के साथ अटैच होगा और जो हमारा यहाँ पे Br- Cl- यानी कि जो हमारा माइनस ग्रुप था
वो हमारा किसके साथ अटैच होगा, मैक्सिमम नंबर वाले के साथ। अब ऐसा हुआ क्यों? हुआ यूं क्योंकि यहाँ पे आ गया हमारा ऑर्गेनिक परऑक्साइड, यानी कि जो भी हमारी अनसिमेट्रिकल एल्किन्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, अगर उसमें हमारा ऑर्गेनिक परऑक्साइड ऐड हो गया तो वो जो हमारी रिएक्शन है वो हमारे एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करना चालू कर देती हैं। यानी सेम रिएक्शन, देखो यही वाला रिएक्शन है, अगर यहाँ पे हमारा परऑक्साइड आ गया, ठीक है, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा जो H+ है ये हमारे इस वाले हाइड्रोजन के साथ नहीं बल्कि इस वाले हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, और जो हमारा Br है ये हमारा इस वाले के साथ अटैच होगा, जबकि मार्कोनिकोफ में इसका उल्टा हो रहा था। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे की भी हम लोग को मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग को और समझना पड़ेगा कि जो इसके पीछे की जो मैकेनिज्म है ये हमारी फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म है। अब देखो ये टॉपिक आप लोग के जो सिलेबस उसमें दिया हुआ है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के नाम से, तो मान लो बाई चांस अगर एग्जाम में डायरेक्टली फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के नाम से अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग को यही चीज़ लिखनी है, ये वाला मैकेनिज्म आप लोग को पूरी तरीके से लिख के आना है। तो जो हमारा देखो सिंपली समझो, मार्कोनिकोफ में क्या लग रहा था, एडिशन रिएक्शन लग रही थी, ठीक है, मतलब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हमारी एंटी मार्कोनिकोफ से इसमें क्या लग रहा है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, देखो हमारा जो ऑर्गेनिक परऑक्साइड है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे R और ये जो हमारा R होता है ये क्या होता है, ये हमारा कार्बन की चेन होती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है कितनी भी छोटी हो सकती है, यानी ये हमारे कार्बन ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली समझो जो हमारा स्टेप वन है, तो स्टेप वन में हमारा क्या होगा, परऑक्साइड डिसोसिएट्स टू गिव एल्कॉक्सी फ्री रेडिकल्स, यानी कि जो हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक परऑक्साइड है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिसोसिएट हो जाएगा और फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा समझना, जैसे ये जो हमारा आर ओ, ठीक है, और ओ आर है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो हमारा बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो हमारा परऑक्साइड है ये हमारे फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे कन्वर्ट होंगे, देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक हमारा यहाँ पे इसके पास आ गया, तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारे किस तरीके से फॉर्म हो गए, अगर चाहो तो दोनों को इस तरीके से लिख सकते हो, आर ओ और ये और आर ओ, देखो दोनों चीज़ें सेम ही है, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 2R O। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ऑक्सीजन इसके पास क्या है, इसके पास है हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और जब भी यहाँ पे किसी एटम के पास जो है या फिर किसी भी ग्रुप के साथ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फ्री रेडिकल कहलाता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप या फिर ऐसे एटम्स या फिर जो भी कह सकते हो जिसके पास यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हों, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं। देखो फ्री रेडिकल्स को हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आई होप कि आप लोग यहाँ पे सीरियल वाइज लेक्चर्स देख रहे होगे, क्योंकि देखो बीच बीच से देखोगे तो या तो आप लोगों को केमिस्ट्री पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं पता है तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग से ही देखो। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब स्टेप टू की बात करें तो स्टेप टू में क्या होगा, ये जो हमारा एल्कॉक्सी फ्री रेडिकल्स है यानी कि जो हमारा 2R और बॉन्डो है, ये क्या हो गया, एल्कॉक्सी फ्री रेडिकल्स अटैक्स ऑन HBr टू फॉर्म ब्रोमीन फ्री रेडिकल। यानी कि देखो यार यहाँ पे देखो ये हमारी रिएक्शन है, ये हमारी बिल्कुल यही वाली है, बस हमारा जो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा परऑक्साइड आ गया यानी कि और ओ ओ आर ये आ गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा HBr है तो क्या होगा, ये जो हमारे एल्कॉक्सी फ्री रेडिकल्स हैं यानी कि जो ये बना हुआ है ये हमारे इस HBr पे अटैक कर देगा। अब अटैक करेगा तो होगा क्या, यहाँ पे देखो ये जो हमारा O है ये इस HBr के H के साथ कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ROH में, और ये जो हमारा Br यानी कि ब्रोमीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल में। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे अब बात करें स्टेप थ्री की, तो स्टेप थ्री में क्या होगा, देखो अब ये जो हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स है ये हमारा किस पे अटैक करेगा, हमारे एल्कीन पे, यानी कि ये जो हमारा एल्कीन है इस पे अटैक करेगा। और यहाँ पे देखो अब हमारे जो है दो फॉर्मेशन होंगे, पहला होगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल और दूसरा होगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स। यानी कि यहाँ पे देखो होगा क्या, अगर जो हमारा Br है, ध्यान से देखना, अगर ये Br यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ अटैच होता है तो हमारा क्या फॉर्म होगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स। यहाँ पे देखो हम लोग जो है इसको 1 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है उस वाले कार्बन को फोकस करेंगे जिसके पास फ्री रेडिकल बन रहा है, यानी कि जो कार्बन फ्री रेडिकल कंपाउंड बन रहा है। तो यहाँ पे देखो यही वाला तो बन रहा है, तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री का मतलब कि जब हमारे कार्बन के पास दो हाइड्रोजन एटम हो और एक हमारा बड़ा सा ग्रुप हो तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग लास्ट वाला लेक्चर पहले देख लेना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस, उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बात करी है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले कार्बन के नज़रिए से देखें तो ये हमारा 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया, और अगर जो हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो हमारे इस वाले कार्बन के साथ अटैच हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये इसके साथ ही अटैच हो गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा फ्री रेडिकल है या फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो हमारे इस वाले कार्बन के साथ आ जाएगा और ये हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्योंकि अब हम लोग इस वाले कार्बन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो देखो इसके पास एक हाइड्रोजन एटम और 2 ग्रुप है तो ये हमारा 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि हमें पता है कि 2 डिग्री हमारा क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे फाइनल क्या होगा, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विथ HBr टू गिव अवर फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा मोर, यहाँ पे मोर स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री वाला। देखो अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ये सारी चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी, और अगर नहीं भी देखा है, नहीं भी देखना है तो बस सिंपली समझो कि 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री वाला कम होता है, तो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होगा। तो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल यहाँ पे क्या होगा, रिएक्ट विद HBr, तो यहाँ पे ये वाला जो है हमारे HBr के साथ रिएक्शन करेगा और होगा क्या, देखो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है ये इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके हमारा CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो हमारा Br है, देखो ये Br, देखो इसके पास ऑलरेडी Br अटैच है तो Br तो ऐड होगा नहीं, तो ये हमारा Br जो है फ्री रेडिकल के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पे एंटी मार्कोनी कोफ्स रूल की मैकेनिज्म। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बहुत जल्दी से अपना एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं जो कि है हमारा यहाँ पे ओजोनोलाइसिस। अब देखो ये क्वेश्चन भी जो है कई बार आप लोगों को एग्जाम में 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, या फिर कई कई बार जो है 5 नंबर में भी देखने को मिल जाता है, और काफ़ी ईजी और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आप लोग को 2 मिनट में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ओजोनोलाइसिस के बारे में, तो ओजोनोलाइसिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच ओजोन इज पास्ड थ्रू एन एल्कीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CCl4 टू फॉर्म ओजोनाइट। देखो सबसे पहले समझो ओजोन क्या होता है, ओजोन हमारा होता है O3, ठीक है, तो O3 को हम लोग यहाँ पे ओजोन बोलते हैं। तो जब भी हम लोग यहाँ पे ओजोन की रिएक्शंस अपने किसी एल्कीन से कराते हैं, यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे इनर्ट होना चाहिए, लाइक हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया CCl4, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे ओजोनॉइड का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है अभी उसको देख रहे हैं, बाकी थोड़ा सा अभी आप लोग थ्योरी पोर्शन समझो। ओजोनॉइड्स और एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स, हेंस दे आर फर्दर रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर टू गिव कार्बोनिक कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे सबसे पहले सिंपली समझो, सबसे पहले क्या हुआ, हमारा जो एल्कीन है उसकी रिएक्शन हुई ओजोन के साथ और हमारा फॉर्म हुआ ओजोनॉइड। अभी जो ओजोनॉइड है ये हमारा यहाँ पे एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे खुला नहीं छोड़ सकते, तो अब इसकी रिएक्शन हम लोग दोबारा कराते हैं जिंक के साथ, और वाटर भी होता है और हमारा क्या बन जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहाँ पे देखो हम लोग जो है रिएक्शन से समझते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब हम लोग इसकी रिएक्शन यहाँ पे O3 से कराते हैं यानी ओजोन से, तो यहाँ पे और CCl4 हमारा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो है ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखो ये तो हमारा सिंपल CH2 लिखा हुआ है, CH2 और O3 में से एक को ऊपर चला गया, 2 नीचे, और यहाँ पे पूरा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब स्टेप 2 में देखो क्या होगा, चूंकि ये ओजोनाइड हमारा एक्सप्लोजिव कंपाउंड है तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग जो है दोबारा से जिंक और वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो होता क्या है, देखो होता ये है कि ये जो हमारे बॉन्ड है ये यहाँ पे हमारे ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पे देखो बॉन्ड जो है कुछ इस तरीके से ब्रेक होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं, CH2 और ये O और ये O, तो यहाँ पे बॉन्ड देखो हमारे जो है कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से, यानी कि CH2 और O, देखो CH2 और डबल बॉन्ड O। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि जो हमारा कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन 2 ही है और इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो 4 पूरा करने के लिए हमारा डबल बॉन्ड आ गया। यानी देखो ये जो CH2O है, एक हमारा ये CH2O, एक हमारा ये CH2O, तो दोनों यहाँ पे अलग हो गए, CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, और बचा क्या, बचा हमारा ऑक्सीजन और हम लोगों ने जिंक भी है, तो जिंक और ऑक्सीजन यहाँ पे ZnO के फॉर्म में अलग हो गए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फाइनली, और ये जो CH2 डबल बॉन्ड O है इसको हम लोग HCHO भी बोल सकते हैं, और HCHO हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड्स होते हैं। तो ये हमारा जो है एल्डिहाइड और जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो गया, और यहाँ पे था हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। और आई होप कि थोड़ा सा लंदी लेक्चर था, बाकी आप लोग बताना कि आप लोग को समझ में आया या फिर नहीं आया, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।